एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5. सो गिवन फिगर दिस पॉइंट इज ए बी सी डी ई In value of sides 5.2 cm, 3 hole 3.5 cm and 2 hole 3.4 cm and D is 7.6 cm. So now question, find the perimeter of triangle ABE. हमें इस triangle का perimeter find out करना है and the rectangle BCDE whose perimeter is greater. दोनों का पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हमें यह बताना है कि इस फिगर का पैरामीटर ग्रेटर है. सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट इज पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई. अब ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होगा, हम ट्राइंगल की तीनों साइड्स का सम फाइंड आउट करेंगे. पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी ई, ए बी प्लस बी ई प्लस ए ई, सम ऑफ ऑल साइड्स. ए बी इज 5.2 प्लस बी ई इज 2 होल 3.4 प्लस ए ई इज 3 होल 3.5. 5.2 प्लस 4 2 8, दिस अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, कन्वर्ट टू फ्रैक्शन. सो 4 2 8 प्लस 3 11.4 प्लस 3 5 15 18.5 is equal to taking LCM. LCM is 2 4 5, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 5 and 2 5 5 1 1 1, 5 to 10 to 20. So LCM is 20. So डिनोमिनेटर में यहां पर 2 है, 2 को हमने 20 बनाना है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहां पर डिनोमिनेटर में 2 है, 2 को हमने 20 बनाना है, तो क्या करेंगे, हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 into 10 प्लस हेयर 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 बन जाए, 5 से. 11 को भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 18. 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 20 बन जाए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से ही हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. So 5 into 10 50 plus 11 into 5 55 plus 18 into 4 72 upon 20 is equal to 2 plus 5 7, 7 5 12 5 17, 177.20 centimeter. इसके हम mixed fraction find out करेंगे. 177.20, 28 is 160. 7 1 17, 8 hole 17 रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे अपॉन 20 सेंटीमीटर. नेक्स्ट पार्ट इज फाइंड पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल. सो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी ई, sum of all sides. So BC plus CD plus DE plus BE. हमें given figure है, rectangle की opposite sides are equal and parallel. अगर BE की length 2 hole 3.4 है, तो CD की length क्या होगी हमारे पास, 2 hole 3.4 cm. And DE की length 7.6 है, तो BC की length भी हमारे पास क्या होगी, 7.6 cm. So, therefore BC, the value of BC is 7.6 cm. नहीं लगाएंगे हम, plus CD, value of CD is 2 hole 3.4
प्लस वैल्यू ऑफ डीई, डीई 7.6 प्लस वैल्यू ऑफ ऑन बीई 2 होल 3.4 इक्वल टू 7.6 प्लस 4 2 8 प्लस 3 11.4 प्लस 7.6 प्लस 11.4 7.6 प्लस 7.6 14.6 हो जाएगा 14.6 प्लस 11.4 11.4 22.4 So is equal to LCM of 6 and LCM of 6 comma 4. 2 3 is a 6, 2 2 is a 4. Again 2 say 3 1, 3 say 3 1. 3 2 6 2 12. LCM is 12. 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 12 बन जाए 2 से. 6 को 2 से करेंगे, न्यूमरेटर को भी हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे. प्लस 22. 22. अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 12 बन जाए 3 से. 22 इंटू 3 सो इज इक्वल टू 14 टू जा 28 प्लस 3 टू 6 3 टू 6 कॉन 12 सो इज इक्वल टू 6 8 14 प्लस 6 टू 8 119 कॉन 12 यहाँ पे 2 6 से 12 2 4 जा 8 2 7 जा 14 47.6 सेंटीमीटर इसको हम क्या करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे सो मिक्स्ड फ्रैक्शन में 14 अपॉन 7 47.6 सेंटीमीटर को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है 47 6 6 7 जा 42 5 So here 7 whole 5.6 सेंटीमीटर इसमें कौन सी वैल्यू हमारे पास ग्रेटर आ रही है 8 होल 7.20 इज ग्रेटर देन 7 होल 5.6 सो इट इज क्लियर दैट 8 होल 17.20 is greater than 7 whole 5.6. Therefore, perimeter of triangle ABE is greater. Next question, question number 7. Ritu ate 3.5 part of an apple and the remaining apple was eaten by her brother Somu. How much part of the apple did Somu eat? Who had the larger share by how much? तो एक apple है, सेब है, उसका 3.5 part जो है Ritu ने खा लिया और remaining parts जो है वो Somu ने खा लिया. How much part of the apple did Somu eat? तो Somu ने कितना part जो है उस apple का खाया? हमने वो बताना है और किसने लार्जर ज्यादा भाग जो है उसका खाया और कितना खाया वो हम उसमें बताएंगे एप्पल ईटन सॉल्यूशन एप्पल ईटन बाय ऋतु इज इक्वल टू 3.5 एंड एप्पल ईटन बाय सोमू 1 एप्पल है तो उसमें से हम लेस कर देंगे 3.5 को सो टेकिंग एलसीएम इज 5 5 माइनस 3 2.5 2.5 पार्ट जो है वो सोमू ने ईट किया बिकॉज 3.5 इज ग्रेटर देन 2.5 देयरफॉर ऋतु एट लार्जर पार्ट ऋतु एट लार्जर पार्ट ऑफ एप्पल सो दैट इज 3.5 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 1.5 1.5 पार्ट जो है ऋतु ने ज्यादा खाया एज कंपेयर टू सोमू नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8
माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 hour. Weber finished coloring the same picture in 3/4 hour. Who worked longer? By what fraction was it longer? Solution. हमने ये बताना है कि किसने ज्यादा काम किया है इसमें और कितना ज्यादा काम किया. So Michael finished coloring a picture seven upon 12 hour, and Weber finished coloring a picture 3/4 hour. So here denominator is not same. So now 3/4 हम किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए. 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से ही हम डिवाइड करेंगे. 3 3 9 9/12. सो बिकॉज 9/12 इज ग्रेटर देन 7/12. सो देयरफॉर वैभव वर्क्ड longer. So that is कितना ज्यादा काम किया वैभव ने. That is 3/4 में से हम less कर देंगे 7/12 को, taking LCM is 12. So 4 3 12 3 3 9 minus 7 2/12. 2 1 2 2 6 12 1/6. So इतना जो है 1/6 hour वैभव ने ज्यादा काम किया. कल हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे. ओके.